अलेक्जेंडर टू के किस फैसले से रशिया को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, एक छोटी सी मिसरीड की वजह से कैसे पूरा आइलैंड जितना रिएक्टर पिघल गया। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस दुनिया में हुए ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में जो कि एक छोटी सी मिस्टेक से हुई है और इससे नुकसान लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में हुआ है। हम इंसान गलतियों की मूरत होते हैं और आए दिन हमसे कोई ना कोई छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन आज मैं आपको सदी की सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। सबसे पहले नंबर पर आती है एक प्लांट ऑपरेटर की कहानी, जिसमें एक आदमी के मिसरीड के कारण एक 3 मील का आइलैंड न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्टडाउन हो गया था और इसकी केवल सफाई की कीमत $1 बिलियन आई थी। 23 मार्च 1978 में यूएस में घटा एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो कि पुअर डिजाइन, मैकेनिकल फेल्योर और सबसे बड़ी बात एक इंसान की मिसरीडिंग की वजह से हुई थी। और जब वहां मौजूद रिलीफ वॉल्व खुल गई तो उसके कारण न्यूक्लियर रिएक्टर के कूलेंट बाहर आ गए, जिससे कि वहां की स्थिति और भी खराब हो गई। कोर रिएक्टर तक मेल्टडाउन हो गया और उससे रेडियो एक्टिव गैसेस निकल कर एनवायरमेंट में पहुंच गई। और फिर जब इसकी सफाई शुरू हुई तो उसमें सालों लग गए, जिसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा आई। दूसरे नंबर पर बात आती है एक सैटेलाइट की, जिसके प्रोग्रामर ने टाइम को गलत ले लिया और जिसकी वजह से एक स्पेस एजेंसी को भारी नुकसान सहना पड़ा। हम बात कर रहे हैं 1995 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाए गए रॉकेट के बारे में, जिसमें कि गलत टाइम होने की वजह से यह लॉन्च 36.7 सेकंड्स तक ही रह पाया और इसके बाद एलएन 5 क्रैश हो गया और फिर इतनी मेहनत तहस नहस हो गई। इतना ही नहीं, यह नुकसान इतना भारी पड़ा कि इसकी लॉस की कीमत $500 मिलियन से भी ज्यादा की हुई। दोस्तों, अब मैं आपको उस कहानी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 14 अप्रैल 1912 की, जब टाइटैनिक शिप डूबा था। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिप तैयार किया गया था, जिसकी कीमत $7.5 मिलियन आई थी। और जब वो अपने पहले सफर पर निकला तो उसी दिन उस शिप के कैप्टन से वह शिप संभाली नहीं गई और अचानक एक आइसबर्ग से जाकर टकरा गई, जिसके कारण पूरी शिप के साथ 1500 लोगों की जानें भी गई और यह वाकई में पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर बनकर रह गई। दोस्तों, हम कई बार अपने जीवन में अपनी राह से भटक जाते हैं और उस राह पर दोबारा वापस आने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार एक रास्ता भूले शिकारी की एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत बड़ी घटना हो गई। दोस्तों, 2003 में एक बार एक हंटर अपने जंगल में राह भटक गया और फिर उसने मदद के लिए जंगल में आग लगाई, लेकिन उसके द्वारा लगाई गई छोटी सी आग पूरे 110,500 हेक्टेयर में फैल गई और करीब 3,000 बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। इसके साथ 15 लोगों की मौत भी हुई और $1.2 बिलियन की प्रॉपर्टी जलकर नष्ट हो गई। और इसके बदले में हंटर को 960 घंटे की कम्युनिटी सर्विस देनी पड़ी और उसके बदले में उसे केवल $9,000 मिले। हमारी इस धरती पर तेल भरपूर मात्रा में है और इसे धरती से बाहर भी बहुत तेजी से निकाला जा रहा है, लेकिन इसी काम के बीच एक बार 1998 में एक पेपर ऑयल रिंग अल्फा में एक्सप्लोजन हो गई थी, जिसके कारण 167 जिंदगियां चली गई। और ऐसा हुआ था नॉर्थ सी में, जहां ऑयल और गैस इकट्ठी आ गई थी और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था। बाद में पता चला कि एक छोटी सी कम्युनिकेशन गैप की वजह से इतना बड़ा भयावह और ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी भरपाई में करीब करीब $3.4 बिलियन लग गए। बढ़ते हैं अगली मिस्टेक पर। दोस्तों, अक्सर जब कोई कंपनी डूबने लगती है या फिर उसकी प्रॉफिट कम हो जाती है तो फिर वह कंपनी खत्म हो जाती है या फिर किसी दूसरे कंपनी से मर्ज हो जाती है। ऐसा ही होने जा रहा था 1998 में, जब मर्सिडीज बेंज अपने मर्जर की अनाउंसमेंट कर रही थी। हर जगह से तैयारियां हो गई थी और मर्सिडीज क्राइसलर को खरीदने के लिए तैयार था, वो भी $20 बिलियन में। और ठीक 9 साल बाद जब दोनों कार ब्रांड्स आपस में नहीं चल पाए तो मर्सिडीज ने क्राइसलर को $7 बिलियन में बेच दिया, जो कि एक शॉकिंग न्यूज थी सबके लिए, क्योंकि इस बिजनेस में मर्सिडीज को $13 बिलियन का नुकसान हुआ था। अक्सर हम हड़बड़ी में कुछ न कुछ गड़बड़ी कर ही देते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ था 1867 में, जब रशिया के अलेक्जेंडर टू ने अपनी छोटी सी गलती की वजह से देश को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करवा दिया था। दोस्तों, उस समय रशिया को पैसे की जरूरत थी और उसने अपने एसेट्स को लिक्विडेट करने के लिए अपने नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरीज को बेच दिया और उसे अलास्का के लिए $7.2 मिले। और फिर यह डील हो जाने के बाद सबको पता चला कि अलास्का के पास ऑयल एंड गैस रिजर्व है, जिसकी वैल्यू करीब $200 बिलियन से भी ज्यादा है।
और यह जानकर मानो रशिया के लोगों ने अलेक्जेंडर टू को बहुत कोसा था और यह बात आज तक उनके जहन को कोसती रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप और कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।